बहुत ही अच्छी है, मस्ट वॉच मूवी है, बिल्कुल मिस करने जैसी नहीं है, शब्द ही नहीं है, बहुत अच्छी है। आई एम गोइंग बैक अगेन टुमारो। सब कुछ अच्छा है, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत ही रियलिस्टिक है। रणबीर कपूर की एक्टिंग बहुत अच्छी है, परेश रावल वॉज वेरी गुड। शायद संजय दत्त का बेटा बड़ा हो गया, इतना संजय दत्त नहीं लगेगा जितना रणबीर कपूर रियलिस्टिक है। फुल 10, फुल 10, नॉट 5-10, 10-10, एक नंबर, एकदम मस्त कड़क। मतलब अपना रणबीर कपूर की एक्टिंग हो, चाहे वो संजय दत्त का रोल हो, सब कुछ एकदम मस्त, एकदम कड़क। गाना तो एकदम एक नंबर, डायलॉग तो फाड़ दिए, और क्या, वो भी एकदम कड़क। लास्ट का लोकेशन तो एकदम बवाल, बैंड्रा का काटर्स रोड, जरूर देखना चाहिए, इतनी अच्छी पिक्चर है। 5 में से 5 पूरे, 10 से लेने के 10 ले लो। कैसे लगी मूवी? अच्छी। पिक्चर देखी ना? हाँ। बहुत अच्छी लगी, वेरी नाइस मूवी, सब ओवरऑल डायरेक्शन, रणबीर का एक्टिंग, एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि रणबीर कपूर, वो लग रहा था संजय दत्त ही प्ले कर रहा है। 4.5, बहुत बढ़िया मूवी है। जो राजू ईरानी जी की पहले की मूवी थी उसी सीरीज में बहुत अच्छी मूवी पब्लिक थी। इसमें जो बॉन्डिंग बताई है फादर सन की, जो इमोशनल इनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम आई उसके बावजूद भी इन्होंने जो फेस किया वो बहुत अच्छा। ऑडियंस को 100% बार बार देखनी चाहिए। उन्होंने फिर प्रूव किया कि बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं और पूरा जमे संजय दत्त के रोल में। 90% तो उन्होंने संजय दत्त को कॉपी करा। रेट उनका 4.5/5। मूवी सुपर आउटस्टैंडिंग, बहुत सारे इसमें इतने इमोशनल सीन्स हैं कि मैं तो आधी रो ही रही थी। दो इमोशनल सीन्स मुझे बहुत ज़्यादा टची लगा कि जब परेश रावल अपनी वाइफ की रिकॉर्डिंग सुनाते हैं एंड उसमें वो जब कहती कि मुझे एक गिलास पानी दे दो, तो परेश रावल एकदम से उड़ जाते हैं पानी देने के लिए। वो एक पल के लिए भूल जाते कि मैं मतलब टेप सुन रहा हूँ। तो रणबीर कपूर कहते पापा आप टेप सुन रहे हो, इट्स वेरी एंड कमली हैज़ वर्क वेरी नाइस एज अ बेस्ट फ्रेंड एंड उसका उनका भी बहुत ही इमोशनल सीन है जब उन्हें बहुत एहसास होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जो बहुत बड़ी, उनसे बाद में उन्हें एहसास होता है कि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना चाहिए था अपने फ्रेंड को, बेस्ट फ्रेंड है तो समझना चाहिए था कि वो ऐसा नहीं है। एवरीबडी हैज़ डन वेरी नाइस कास्टिंग, स्क्रिप्ट अगर पूछो एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस एंड जिन्होंने भी मेकअप किया है लुक ऑफ रणवीर टू लुक एज अ संजय दत्त इज वेरी नाइस बिकॉज वो लग रहे थे उनकी तरह। डायलॉग्स एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस, मैं जितना बोलूँ उतना कम है। 5/5।